दिस इज दी करंट मार्केट एंड आप देख सकते हो कि बिटकॉइन ने दोबारा से इस सपोर्ट को यहाँ पे टेस्ट किया है 25,400 तक ये जो है जाके आ चुका है अब कल के वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिल्डिंग अ लॉन्ग एंड वो लॉन्ग कुछ इस तरीके से होगा तो सारी एंट्रीज हमारे लॉन्ग की हो गई है एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग समवेर हेयर रफली हमारा एवरेज ट्वेंटी के आसपास आ गया है एंड परसेंट के आसपास प्रॉफिट पे चल रहे हैं इसके साथ साथ हमने एक इथेरियम का शॉर्ट भी लिया था जो कि हमारा हेज ट्रेड था एंड दैट आल्सो वी क्लोज्ड इन प्रॉफिट एंड करेंटली बस हमारा लॉन्ग ओपन है एंड यहां से अब हमें देखना है कि क्या बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा तो वीकेंड है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी तो इट शुड जस्ट मूव अराउंड दिस एरिया इस एरिया के आसपास इसको मूव करना चाहिए एंड यहाँ पे फिर हम देखेंगे अगर हमें बेरिस्ट साइन दिखते हैं देन वी विल क्लोज द लॉन्ग अर्ली अगर हमें बोलि साइन दिखते हैं देन आई स्टार्ट एडिंग मार्जिन टू इट इसके अलावा मैंने आपसे कल बहुत बोला था कि बहुत सारे ऑल्ट क्वाइंस जो है

इसके बाद मार्केट की ऑन समरी देखते हैं बिकॉज समथिंग हैज चेंज रेयर फंडिंग रेट्स पहली बार यहाँ पे नेगेटिव है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत टाइम बाद यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है फंडिंग रेट्स। इसका मतलब क्या है मार्केट में बहुत सारे लोग जो लॉन्ग थे या तो वो लिक्विडेट हो गए हैं या फिर बहुत सारे लोग जो हैं अब शॉर्ट ले रहे हैं मेरे हिसाब से अ लॉट ऑफ पीपल हु वर लॉन्ग वर लिक्विडेटेड एंड यहाँ पे अब जो है केवल शॉर्टर्स बचे हैं दैट्स वे फंडिंग रेट्स इतना नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है अब फंडिंग रेट नेगेटिव होता है तो इसके बाद क्या होता है अलॉट ऑफ पीपल आर शॉर्ट जब ये शॉर्ट जो है क्लोज करा जाएगा तब वो शॉर्ट मार्केट में बहुत सारे बाय ऑर्डर्स लेके आएगा एंड दैट कैन पुश द मार्केट अप मेरे को पता है कि सेप्टेम्बर में बहुत लोग बोलते हैं कि इट्स अ नेगेटिव मंथ हमेशा नेगेटिव रहता है एंड दैट इज ट्रू नेगेटिव रहता है ने लेकिन केवल हमें ये फैक्टर में नहीं लेना चाहिए राइट right? हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या और टाइम के मंथ जैसे कि जनवरी इज मोस्टली नेगेटिव आप देख सकते हो नेगेटिव कितने सारे हैं जनवरी में लेकिन जनवरी हमारे लिए फोर्टी परसेंट पॉजिटिव पे खुला था राइट right? इसके अलावा फेब्रुरी है फेब्रवरी आप देख सकते हो ओवरवेलमली पॉजिटिव रहा है लेकिन एक बार ये भी नेगेटिव थर्टी वन परसेंट दे चुके है इसमें इसने बहुत कम रिटर्न्स दिए इसके बाद सिमिलरली इस साल में जो है मोस्ट ऑफ द मंथ्स वर पॉजिटिव केवल मई जुलाई और अगस्त तीन ऐसे मंथ्स थे जो नेगेटिव हमारे लिए रहे हैं तो यह हमें जो है फैक्टर इन करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हम देखें कि सितंबर हमेशा नेगेटिव रहता है तो इस बार भी सितंबर नेगेटिव रहेगा इसी तरीके से जब भी हमने देखा है कि नेगेटिव यूज नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं अगस्त में तो सितंबर जो है फिर भी थोड़ा बहुत माइल्ड रहता है बिकॉज हम स्टार्ट ही इतने बॉटम से करते हैं एंड यूजअली इसका मतलब क्या होता है दैट अगस्त में बड़ा डंप आया अगस्त हमारे लिए नेगेटिव हो गया उसके बाद थोड़ा सा हमें बाउंस देखने को मिलता है सेप्टेम्बर में एंड फिर मिड सेप्टेम्बर के आसपास हम, हम वापस से अगस्त के स्टार्टिंग वाले प्राइसेस पे आ जाते हैं तो ये ओवरऑल इसका मतलब है तो आपके अवर मंथली चार्ट देखिए मत सोचो कि ये तो नेगेटिव रहेगा समथिंग लाइक दैट

बहुत इंपॉर्टेंट है क्या ये वीकली रेंज ब्रेक होगी या नहीं होगी वो हमें यहां पे देखना है वीकली रेंज अगर ब्रेक नहीं होती है तो बाउंस के चांसेस पे बढ़ जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना लॉन्ग यहां पे बिल्ड कर रहा हूं टोटल अराउंड टू से थ्री हंड्रेड का कैपिटल मैंने पे यूज किया है इस लॉन्ग के लिए बिकॉज द रिस्क इज स्टिल देयर एंड अगर हम ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं देन आई स्टार्ट टू एड मार्जिन ठीक है नीचे जाते हुए भी, भी आप बिल्ड कर सकते हो ऊपर आते हुए भी, भी आप बिल्ड कर सकते हो तो इस बात को ध्यान में रखना बाकी कोई खास रेट मुझे नहीं दिख रहा है मार्केट में बिकॉज शॉर्ट टर्म कल ऑलरेडी कर चुके हैं लॉन्ग का टाइम है लेकिन वीकेंड चल रहा है तो इतना ज्यादा बाउंस हमेशा